जो सबसे छोटी होती है। अब आते हैं अपन सेल बायोलॉजी ऊपर। सेल बायोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान, कोशिका का संपूर्ण अध्ययन सेल बायोलॉजी कराता है, मतलब कोशिका विज्ञान कराता है। साइटोलॉजी, पहले तो अपन साइटोलॉजी को तोड़ेंगे फिर इसको समझेंगे। तो सेल इसका इंग्लिश नेम है, और साइटो इसे वैज्ञानिक भाषा में मतलब वैज्ञानिक शब्द के रूप में साइटो पढ़ा जाता है। और लॉजी का निकाले तो लॉजी मतलब जहाँ भी जिस शब्द के पीछे लॉजी लग जाए तो मतलब समझ लेना आप अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ क्या है, साइटो मतलब साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन, सेल के लिए। तो कोशिका की संरचना का अध्ययन को क्या बोलेंगे अपन, साइटोलॉजी। अब इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं अपन, कि इसकी परिभाषा बनेगी कैसे। तो पहले पॉइंट आता है कि सजीवों का शरीर जिन छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे कोशिका। सजीवों का मतलब पता होना चाहिए कि सजीव होते क्या है। सजीवों में जंतु और पादप दोनों ही आते हैं, मतलब जंतु और पादपों का शरीर जिन छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे कोशिका कहते हैं। इसमें पादप भी आएंगे और जंतु भी आएंगे, दोनों बातें ध्यान रखना। उसके बाद आता है इसकी खोज किसने की, खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कौन से सन में की, 1865 में। और किसने की, पादप कोशिका में। पादप कोशिका में ने की, कोशिका भित्ति में। उसके बाद कोशिका भित्ति में जो खोज की थी वो मृत कोशिका में की थी। सबसे पहला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि मृत कोशिका में खोज की थी। और इन्होंने कोशिका को सेलुलर कहा था, ना कि सेल मतलब कोशिका कहा था। इन्होंने सेलुलर नाम दिया था, उसका मतलब होता है स्मॉल रूम का मतलब समझ सकते हो आप, छोटा कमरा। उसके बाद आता है जीवित कोशिका की खोज किसने की, किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने क्या दिया, सेलुला। और लिवेनो ने क्या दिया, एनिमल फ्यूल। तो अभी सेल नाम का जिक्र नहीं हुआ ना कि सेल नाम दिया किसने, तो सेल नाम दिया था रॉबर्ट बोस ने। हमने पढ़ा है कि कोशिका क्या है, कोशिका किसे कहते हैं, जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, किसने की, और कोशिका की खोज मतलब कोशिका नाम किसने दिया। अगर हम स्टार्ट करेंगे अपन कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में सबसे पहले बताया था ड्यूटेरियट ने। इनके अनुसार पादपों और जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या, कि पादपों और जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके बारे में मतलब इसके प्रस्तुत करता है कि पादप कोशिका में कितने बताया और जंतु कोशिका में कितने बताया। मिज्याक्लैंड ने पादप कोशिका के बारे में बताया और थियोडोर खान ने जंतु कोशिका के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि पादप कोशिका वो उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। इनके अनुसार मिज्याक्लैंड के अनुसार कि पादप कोशिका वो उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार थियोडोर खान ने कि जंतु भी कोशिका वो उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। ये दोनों जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने तो बताया था 1838 में पादपों में, और इन्होंने बताया था 1839 में। ये एक प्राणी वैज्ञानिक थे और ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया वो अपन ने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे अपन कोशिका सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उन वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत की खोज की तो उन्होंने क्या क्या बताया कोशिका सिद्धांत के बारे में। पहला बिंदु, इनके पास महत्वपूर्ण बिंदु है, उससे पहला बिंदु है कि सजीवों का शरीर कोशिका वो उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। दोनों वैज्ञानिकों ने बोला था कि पादप भी कोशिका वो उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है, और जंतु वैज्ञानिक ने भी ये बोला था कि जंतु कोशिका वो उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। दोनों ने जोड़कर एक पॉइंट बनाया कि सजीव में दोनों ही आते हैं, सजीव में जंतु भी आते हैं और पादप दोनों ही आते हैं। तो इन्होंने बोला कि सजीवों का शरीर कोशिका वो उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई का मतलब अपने शरीर में वृद्धि हो रही है, और क्रियात्मक इकाई के बारे में इन्होंने समझा नहीं सके ये वैज्ञानिक, इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। ये अपवाद स्वरूप है कि ये इनके बारे में नहीं बता सके। इन वैज्ञानिक क्रियात्मक इकाई कैसे होती है इसके बारे में नहीं बता सके, पर इन्होंने पास महत्वपूर्ण बिंदु दिए है तो अपन को इसमें पढ़ना है कि उन्होंने क्या क्या दिए है। इसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कोशिका जीवन की मूल इकाई यही सही कि अपन जैसे वृद्धि कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, अपन की कोशिकाएं हैं। कोशिका नहीं है तो अपन जिएंगे कैसे, कोशिका रहेगी तभी तो अपन जी पाएंगे ना।
है ना। एक कोशिका क्या है, अपने जीवन की मूल इकाई है। उसके बाद आता है कि कोशिका शरीर की आनुवांशिक इकाई है, यह भी एक स्वरूप ये और ये दोनों का अपन इनकी कमियों में पड़ेंगे। इनकी क्या क्या कमियां रही है कि ये ढंग से मतलब अच्छी तरीके से इनको नहीं समझा सके कि क्रियाविकाएँ कैसे होती है और आनुवंशिक इकाई कैसे होती है। आनुवंशिक इकाई का मतलब होता है कि जनरेशन, जैसे कि आपके माता पिता का लक्षण अपन आपके खुद में आया हो उसे बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। अपने पैतृकों से खुद में आने वाले लक्षणों को बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। ये आनुवंशिक इकाई नहीं है क्योंकि अपने माता पिता की जो कोशिका होती है वह अपन में नहीं आती है, पहला बिंदु। उसके बाद आता है पांचवा बिंदु कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। हालांकि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है, पर यह भी इसकी कमी रह गई कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से विभाजन से होती है। पुरानी कोशिकाएं विभाजन करेगी तभी तो नई कोशिका बनेगी ना। इन्होंने ये भी ढंग से नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। इन्होंने तो यही बोला है पर पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। ये इनमें से कुछ अपवाद स्वरूप अपन पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या कमियां रह गई इन्होंने नहीं बता सकी। जैसे कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई तो है पर क्रियात्मक इकाई नहीं है। और इन्होंने बोला है कि कोशिका शरीर की आनुवंशिक इकाई है, ये भी आनुवंशिक इकाई नहीं है, आनुवंशिक इकाई जीन होती है। और नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है, ये भी गलत है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। अब ये तो नहीं कि अपन इनको छोड़ दे, इन्होंने बताया तो अपन को पढ़ना तो पड़ेगा, वहाँ पेपर में लिख के आना पड़ेगा कि सही होगा। शरीर कोशिका को उनके उत्पादन से मिलकर बना होता है और कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, इनके अनुसार तो लिखो इनकी कमियाँ जैसे लिखोगे। अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत की कमियाँ, तो उसमें लिखना है अपन को कि क्रियात्मक इकाई मतलब क्रियात्मक इकाई नहीं होती है शरीर की, उनकी कमियों में पढ़ेंगे। फिलहाल अपन यहाँ तक डिस्कस करेंगे कि और सारे अपन को याद रखना है कि ऐसे ऐसे इन्होंने बताया। कोशिका सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपन ने पढ़े थे, उन बिंदुओं के कुछ उन्होंने कुछ बिंदुओं को स्पष्ट तरीके से नहीं समझा पाए थे और उनकी कुछ कमियाँ हैं और कुछ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है। तो अपन पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत की कमियाँ और अपवाद। सबसे पहला कमियाँ या अपवाद के बारे में डिस्कस करें तो पहला पॉइंट है वायरस। वायरस एक प्रकार का अकोशिकीय है जिसमें कोशिका ही नहीं है, उसे वायरस में कोशिका ही नहीं होती और ये सजीवी नहीं है, ना तो जंतु ना पादप, ये एक अलग ही जीव है और उसमें कोशिका ही नहीं है। तो कोशिका ही नहीं है तो अपन मान सकते हैं कि कोशिका के बारे में बताया था कोशिका सिद्धांत में, कोशिका के सिद्धांत में तो ऋतु एक प्रकार का इसमें कोशिका नहीं है तो अपवाद ही हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई नहीं होती। अपन ने पढ़ा था कि कोशिका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पांच महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे, उसमें से पढ़ा था अपन ने कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक तो होगी क्योंकि कोशिकाओं में वृद्धि होगी तो अपने शरीर में वृद्धि होगी तो संरचनात्मक में वृद्धि होगी, पर क्रियात्मक क्रिया करेंगे अपन, जैसे कि मेरा मुंह चल रहा है तो इसमें कौन सी कोशिकाओं की वृद्धि हो रही है या निर्माण हो रहा है, बस वो कोशिका है तो क्रियात्मक इकाई नहीं होगी, कोशिका क्रियात्मक इकाई नहीं होती। इन्होंने ये कमियाँ इसकी कमी थी कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई नहीं होती है। तीसरा पॉइंट आता है कोशिका शरीर की आनुवंशिक इकाई होती है। उन्होंने बताया था कि कोशिका शरीर की आनुवंशिक इकाई होती है पर कोशिका शरीर की आनुवंशिक इकाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि आनुवंशिक इकाई तो होती है जो अपने माता पिता से अपने को मिले, जैसे कि माता पिता में कुछ लक्षण है वो हमें हमारे जैसे कि उनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी अपन से मिलती जुलती हो या उनकी शक्ल अपन के उनकी जैसे लगे अपन उनके कुछ लक्षण अपन में आए उसे बोलते हैं आनुवंशिक। तो पर ये कोशिकाएं उनकी कोशिकाएं अपन में कहाँ आती, अपन का खुद का फॉर्मेशन अलग तरीके से अपन को अपन के अंदर नई कोशिकाएं बनती है, उनकी कोई भी कोशिका नहीं होती। आनुवंशिक इकाई जीन को बोला गया है, उनकी कुछ जीन उनके लक्षण आते हैं तो लक्षण कहाँ से आते हैं, जीनों से आते हैं। तो जीन आनुवंशिक इकाई क्या होती है, जीन होती है और जीन के बारे में बताया था जॉनसन ने। चौथा पॉइंट आता है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। और अपन ने पढ़ा था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है,
उसमें कुछ नहीं बताया गया था कि उसमें विभाजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उनकी कमी रह गई और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। डायरेक्टर तो ऐसे होएगी नहीं, उनके विभाजन जैसे कि नई कोशिका ये पुरानी कोशिका है इसमें विभाजन होगा, तो ये एक कोशिका है एक कोशिका है, दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया, मतलब ये पुरानी कोशिका और ये नई कोशिका दोनों हो गई। तो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से हुई है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से। और ये जो इसके बारे में बताया था रूडोल्फ विट्सोन, वह सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन के बारे में बताया रूडोल्फ विट्सोन ने, और इन्होंने एक थ्योरी थ्योरी की थी लीनियस थ्योरी, उसमें बताया कि होमिनिन सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, मतलब पुरानी कोशिकाओं से पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का बनना। मैंने पढ़ा है कोशिका के सिद्धांत, उसके महत्वपूर्ण बिंदु और कोशिका के कुछ कमियां, कोशिका सिद्धांत की कुछ कमियां। अब अपन पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, किसके आधार पर, केंद्र के आधार पर कोशिका के प्रकार, केंद्र के आधार पर कोशिका के प्रकार चार प्रकार की होती है। पहली है अकेंद्रित, मतलब अकेंद्रित, एक केंद्र का मतलब होता है जिसमें केंद्र न हो उसे अकेरोटिक बोला जाता है। उसका उदाहरण है स्तनधारी परिपक्व आरबीसी, स्तनधारी जिससे कि अपन है उनकी उसकी आरबीसी परिपक्व आरबीसी होती है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरी नंबर बात है मध्यम केंद्र की, मतलब केरोटिक, इसमें सुविधित केंद्र पाया जाता है परंतु डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। ये डीएनए है एक प्रकार का डीएनए, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती तो ये सुविधित केंद्र में आता, परंतु इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती तो ये मेसोकैरियोटिक में आता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, ये इतना नहीं पाई जाती। तो ये एक मेसोकैरियोटिक होता है जिसका उदाहरण है डायनोफ्लेजेलेटा, ये एक समुद्री जीव होता है। और तीसरे नंबर का आती है आदिम केंद्र की, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब होता है अल्पविकसित केंद्र, इसमें अल्पविकसित केंद्र पाया जाता हो, विकसित प्रकार का न हो, मतलब कम विकसित। इसका उदाहरण है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे हिंदी बोलते हैं जीवित खनिज निवास। चौथे नंबर पर आता है विकसित केंद्र की, यूकैरियोटिक, सुविकसित केंद्र पर होता है, इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन वगैरह वगैरह सब सब है, उसे सुविकसित केंद्र। और इसमें आते हैं समस्त जीव, इसमें आते हैं यूकैरियोटिक में, अपन भी इसमें आते हैं क्योंकि अपन बहुकोशिकीय प्राणी है, अपन अपना काम स्वयं कर सकते हैं, इसमें पेड़ पौधों में सब में ही समस्त जो सुविकसित केंद्र पाया जाता है उससे का उदाहरण है समस्त जीव। अब देख लेते हैं कोशिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, मतलब संसार में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, संसार में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडे में, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। उसके पहले अपन जान लेते हैं कि शुतुरमुर्ग क्या है, शुतुरमुर्ग एक प्रकार का पक्षी है, उसके अंडे में सबसे बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है। उसके बाद संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। उसके बाद संसार की सबसे लंबी कोशिका क्या है, संसार की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ही कोशिका जिसे बोलते हैं न्यूरॉन सेल। संसार की सबसे तेज विभाजन करने वाली कोशिका यकृत, सबसे तेज विभाजन क्या होता है यकृत में, और तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना आपकी तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, तभी तो बोलते हैं कि हेलमेट लगाओ, नहीं तो एक बार यहाँ चोट लगी और गए खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। क्योंकि एक बार जहाँ भी अभी आपके हाथ में कहीं चोट लगती है तो एक गाँव तो बढ़ जाता है कि जैसे भी चोट लगती है थोड़े दिनों बाद गाँव बढ़ने लगता है, उसके बाद कंप्लीट तरीके से वापस वैसा ही हो जाता है। और यहाँ एक बार तंत्रिका कोशिकाओं में लगी और ये ठीक नहीं होती तो इनमें विभाजन ही नहीं होता, कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता, कोशिकाएं अगर एक कोशिका नष्ट होगी तो दूसरी कोशिका उसकी क्षतिपूर्ति कर देती है, मतलब वह कोशिका विभाजन करके उसके नए सेल्स बनाएगी और वहाँ
चली जाएगी, जिससे वह कोशिका क्षतिपूर्ति हो जाएगी, मतलब कोशिका के स्थान पर वह कोशिका नहीं बन जाएगी। तो तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, और सबसे ज्यादा विभाजन कहाँ होता है, यकृत में, लीवर जिसे बोलते हैं लीवर। उसके बाद मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है प्लेटलेट। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है मैक्रोफेज। कई बार तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है, स्पर्म, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। ये गलत है, ये मानव में, अगर अपन मानव की बात करें तो मानव में नर और मादा दोनों आते हैं, और अपन बात करें कि मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, तो मानव में तो मादा भी होती है, क्या मानव मादा में स्पर्म पाए जाते हैं, नहीं ना। तो इसी प्रकार अपन मानव में सबसे बड़ी कोशिका मैक्रोफेज होती है, और अपन कई बार बोलते हैं कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका होती है, अंडाणु के नर में भी पाए जाते हैं, नहीं ना। तो सबसे छोटी कोशिका होती है प्लेटलेट, मानव में सबसे छोटी कोशिका प्लेटलेट, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका मैक्रोफेज कोशिका। और मानव नर की बात करें तो शुक्राणु कोशिका, मानव नर मतलब पुरुषों में, मानव नर में शुक्राणु कोशिका, और मानव मादा में अंडाणु कोशिका। ये चारों में कंफ्यूज मत हो ना, कि मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म बोल देते हो कई बार आप शुक्राणु में, और मानव मादा में कई बार बोल देते हो कि मानव मादा में मतलब मानव में बोल देते हो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका मैक्रोफेज कोशिका है, और सबसे मानव में सबसे छोटी कोशिका प्लेटलेट, और मानव नर की बात करते हैं ना तब होती है स्पर्म सेल, और मानव मादा की करते हैं ना तब होती है अंडाणु कोशिका सबसे बड़ी कोशिका। सबसे लंबी पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में दो प्रकार की होती है, एक तो एक कोशिकीय, एक बहुकोशिकीय। पादप कोशिका ही नहीं जंतु कोशिका भी दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, और बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक कोशिका में आती है एसिटा बुलेरिया, ये एक प्रकार का शैवाल होता है। क्या होता है ये शैवाल, इसका ध्यान रखना। और बहुकोशिकीय में बात करें अपन सनई, जिसे बोलते हैं एम्फीबी। अगर आपको मैंने पढ़ाया जो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि मैंने कैसा पढ़ाया, और अब मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारी पूरी टीम इस प्लान में जुटी हुई है कि आपको अच्छी तरह से समझा सके, सभी विषय आपको पढ़ाए जाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको समझ में आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और कैसे लगे, धन्यवाद।